ये कोविड के चलते ना हम लोग का ज़िंदगी एकदम प्रॉब्लम में रखा है। लेकिन आपको मैं एक पॉजिटिव बात बता देता हूँ, इसके चक्कर में हमारा जो अर्थ है, हमारा जो धरती माँ है, वो हील कर रहा है। मैं अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अर्थ के लिए ठीक है, क्योंकि लोग कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई गंदगी नहीं मच रही है, हमारा धरती जो है वो हील भी हो रहा है, क्लीन हो रहा है। तो अभी मैं कहाँ निकला और मैं ये क्यों पहना हूँ, इससे पहले ये सब सवाल आपके के दिमाग में आए, मैं आपको बोल दूँ कि मैं यहाँ पे अल्जीरिया में हूँ और मैं बाहर आया हूँ, मुझे थोड़ा काम है, जैसे कि मुझे डॉलर एक्सचेंज करना है और कुछ सामान खरीदने थे। मैं अभी करीबन 10 या 15 दिन के बाद आया हूँ बाहर, वही है, छोटी मोटी काम है और फिर मास्क भी खरीदना है, मास्क मेरे पास ख़त्म हो गया, तो इसके लिए मैं कुछ भी करके काम चला रहा हूँ। तो हाय दोस्त, मैं हूँ गौरव, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ अल्जीरिया के बारे में, अल्जीरस के बारे में, अल्जीरस सिटी। मैं जो हूँ यहाँ पे अल्जीरस में हूँ अभी, तो अल्जीरिया एक अफ्रीका की बड़ी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन अराउंड 43 लाख एज ऑन डेट, तो अच्छा है, ये क्लीन कंट्री है। और ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रूट ये सब मिल जाता है। अरे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, एक मिनट ये जाने देते हैं फिर। हाँ, तो ये एरिया का नाम मैं बोल रहा था, ये है सिदी याहिया, जो कि एक अच्छा सा एरिया है यहाँ पे अल्जीरस में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे कंट्री के एम्बेसीज, तो इसी हिसाब से ये एरिया बहुत ही अच्छा है। और ये एरिया दूसरी एरिया से एक्सपेंसिव भी है, तो अभी एक्सपेंस के मामले में अल्जीरिया इंडिया की जैसा ही है और इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ का करेंसी है अल्जीरियन दिनार, लेकिन कंट्री के हिसाब से आप देखोगे ना ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। और ये जो एरिया है, ये यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्टफ, ये जो BNP परिवास देख रहे हो, ये एक बैंक है, तो बस यही एरिया है। अभी मैं आपको आगे आगे थोड़ा दिखाता हूँ कुछ। यहाँ का लोग देखिए, यहाँ का लोग सब COVID-19 के चक्कर में सब ग्लोव्स पहन रहे हैं, सब मास्क पहन रहे हैं, और जिनका ज़रूरी है वही बाहर निकल रहा है। ऐसे नहीं है कि हर कोई बाहर निकल रहा है, क्योंकि बाकी दिनों में जब COVID-19 नहीं था, उस टाइम में मैं आता था तो ये वाला जगह बहुत ही लोगों से भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी देखे तो बस एसेंशियल सर्विसेस एंड नेसेसरी थिंग्स, नेसेसरी स्टोर्स आर ओपन। अभी आप ये देख सकते हो वहाँ पे बस वो कुछ जनरल स्टोर है और वेजिटेबल शॉप है, तो वो ओपन है। और यहाँ का फुटपाथ भी देखिए कितना क्लीन है, तो ये जो क्लीननेस है ना, ये लोगों में रहना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर पाएगा अगर लोग उसको गंदा कर रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं भी आप सबको यही बोलता हूँ कि मतलब मेरा देश महान, तो उसका भी हम लोग क्लीन रखना चाहिए। तो हम लोग का छोटी छोटी कंट्रीब्यूट बहुत हेल्प कर पाएगा, जो कि हमारा देश को क्लीन कर पाए। जैसे कि हमारा घर को भी हम क्लीन रखते हैं, तो देश भी हमारा घर है, तो उसको भी हमको क्लीन रखना चाहिए। तो देखिए कितना क्लीन है, कितना अच्छा लग रहा है। ये एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। सो दिस कंट्री वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच पीपल बैक देन इन हिस्ट्री, जैसे कि हम लोग का इंडिया जैसे ब्रिटिश के द्वारा 300 साल जैसे ब्रिटिश ने हम लोग को रूल किए, तो यहाँ पे फ्रेंच का रूलिंग था, इसीलिए यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच एंड अरबिक। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे स्पीक फ्रेंच एंड अरबिक।
हम लोग का इंडिया में जैसे ब्रिटिश रूल किया था तो हम लोग का इंग्लिश चलता है, हिंदी चलता है, जो हिंदी हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, और बहुत सारे जगह पे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज भी हैं, तो वैसे यहाँ पे अरबिक एंड फ्रेंच चलता है। तो अगर मैं ये कंट्री को मैं अगर इंडिया से कंपेयर करूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी से नज़र आती है, जो कि डिजिटलाइजेशन। पिछले 5-6 साल से हमारा इंडिया में जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मनी ट्रांजैक्शन इन स्मॉल शॉप और इन एनी बिग स्टोर। जैसे कि हम लोग का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चल जाता है, इस कंट्री में ना सब कुछ कैश में ही चलता है। तो आपको बहुत सारे कैश लेके आपको घूमना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्टोर या कहीं पे भी ना पेटीएम जैसा ऐसा कुछ है या फिर क्रेडिट कार्ड चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कैश लेके ही घूमना पड़ेगा। आपको मैं ये दिखा दूँ, ये एक बहुत ही बड़ा एक मार्केट कॉम्प्लेक्स जैसा एक एरिया है, जो कि बहुत सारे आपको स्टोर मिल जाएगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर क्लॉथ स्टोर। सो हर तरफ की आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है ये है सिद्दी याहिया। तो अभी COVID-19 के चक्कर में आपको मतलब अभी यहाँ पे रिलैक्स टाइम है। हाँ, रिलैक्स टाइम तो 7 AM to 5 PM। एक्टिव पेशेंट इज़ ऑल अराउंड 1800 इन द एंटायर कंट्री। सो इसीलिए तो ये उनका अभी फ्री टाइम है, तो इसीलिए आपको इतना ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। 5 बज जाएगा जैसे भी, आपको एक भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, एक भी लोग आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए बाहर। तो यहाँ पे उस हिसाब से लोगों के अंदर लोग जानते हैं कि हाँ ये एक क्राइसिस चल रहा है, ये सिचुएशन है, तो वो घर में ही रहते हैं। बाकी 5 o'clock यू कैन फाइंड, बट कंपेयर टू अर्लियर डेज दिस ट्रैफिक इज़ वेरी लेस। तो वही बस जी, इसकी क्लीननेस बहुत ही अच्छा लगता है यार। देखो कितना मस्त छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, ये फुटपाथ भी कितना क्लीन है, और ये सब छोटे छोटे दुकान। लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, उनको इंडियन पसंद है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। शाहरुख खान जी यहाँ पे बहुत फेमस हैं, अमिताभ बच्चन जी, और यहाँ पे एक मूवी बहुत ही फेमस हुआ था जिसका गाना है जाने तू या जाने ना, नॉट द न्यू वन बट द ओल्ड वन। सो वही बस। चलो अभी मुझे मास्क भी मिल गया, मास्क भी खरीद लिए हम, और मैं बोल दूँ यहाँ पे मैं 10 मास्क खरीदे ऐसे, जो मैंने अभी जो पहना है इसका 10 मास्क का मुझे 1000 अल्जीरियन दिनार पड़ा। तो इफ़ यू कन्वर्ट इन टू इंडियन रुपीज़ इट इज़ अराउंड 500 रुपीज़, विच इज़ ओके। और यहाँ का जो लोग है ना, जैसे कि अभी क्राइसिस चल रहा है और इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि सब हर चीज़ उनको ज़्यादा रेट में बिक रहे हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये इस कंट्री का मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए स्टोर सब कुछ क्लोज्ड है, सारे क्लोज, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। तो मैं अभी जा रहा हूँ कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए, मैंने कन्वर्ट कर लिया डॉलर्स, और ये देखिए सारे स्टोर क्लोज्ड है। ये जो सब स्टोर ये पूरा भरे हुए थे यहाँ पे। तो अभी COVID-19 के चलते सारे स्टोर अभी क्लोज्ड हैं। ये जो आइसक्रीम दुकान आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं बहुत सारे आइसक्रीम खाता था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते बंद है। और मैं विंटर के सीज़न में खाता था, जैसे कि जनवरी फरवरी में। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे विंटर एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, और विंटर रहता है टिल मार्च। तो आज ऐसा है कि आज थोड़ा
गर्मी हो रही है, आज थोड़ा धूप हो रही है, बट आई विल से वेदर इज़ प्लेजेंट, सो इट इज़ गुड एक्चुअली. एक्चुअली बड़े दिन हो गया मैंने फिश नहीं खाए हैं, तो आज मुझे फिश खाना है. तो देखते हैं, आगे एक फिश का शॉप है, वो जो फिश का शॉप का जो मालिक है वो मेरे से बहुत ही अच्छा, मतलब घुल मिल गए हैं हम लोग. यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये थोड़ा ले लेता हूँ यार, ये अच्छा है. सो दिस, तो ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो फिश का शॉप है, और ये जो है मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है. ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बहुत ही अच्छा लोग है वो. तो माई फ्रेंड दिस वन या तो मैं ये दो मछली में ये ले रहा हूँ. या गुड वन नाइस फिश. यस नाइस फिश. बहुत ही मजा किया कि इंसान है ये लोग, और बहुत ही फ्रेंडली हैं, तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है. शाल दिस वन 4200. दिस इज श्रिम्प. एंड दिस वन, दिस फिश 1600. 1500. दिस वन 1600. दिस वन, दिस वन 2200. दिस वन 1600. Voila. And this one? Lobster. 4600. Okay. Thank you. Okay. Bye. Ciao. Bye-bye. Ciao. तो मैंने मछली खरीद लिया है, और मछली का रेट हुआ 1750 दिनार. अभी आप कन्वर्शन कर लो कितना होता है. तो यही है लाइफ, अकेला जिंदगी. एंड अजीनो, इफ यू आर वॉचिंग दिस यू सी, दिस इज सो मच, आई एम अनेबल टू हैंडल दिस मैन. आई रिमेम्बर वी यूज टू डिवाइड दिस एंड कैरी टूगेदर, बट वेन यू स्टे अलोन दिस इज द प्रॉब्लम. आई एम स्टेइंग अलोन, लेकिन चलता है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम. यही जिंदगी है, यही लाइफ है. चलो फिर, आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में. होपफुली मैं आपको कुछ अच्छा लेके आऊँ. तो ये तो मेरा स्मॉल टूर था, मेरा छोटी सी वॉक थी ग्रोसरी स्टोर को, और मुझे डॉलर्स कन्वर्ट करना था, कुछ फिश भी खरीद लिया, आपको अल्जीरियस के बारे में कुछ बोल भी दिया. आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब भी कर दो, और हाँ, जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी आप हिट कर लो, जब भी कुछ नया वीडियो आएगा तो आप उसको देख पाओगे. चलो फिर दोस्तों, मिलता हूँ मैं, थक गया हूँ, और मिलता हूँ मेरा अपनी दूसरे वीडियो पे. तब तक स्टे सेफ, स्टे होम. चाओ, बाय बाय. थक गया यार मैं इतना देर, मतलब 2 किलोमीटर तो चला ही होगा, और आके मैं अपना अपार्टमेंट में पहुंच गया हूँ. बस थोड़ी सी वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी थकान कम हो जाए, तब मैं सीढ़ी लेके ऊपर चले जाऊँ, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो 5th फ्लोर में है, और यहाँ का मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट में ना लिफ्ट नहीं मिलता आपको, मतलब 6th फ्लोर या 7th फ्लोर ऐसा कुछ है तो लिफ्ट नहीं मिलता. इवन इन माई ऑफिस ऑल्सो देर आर नो लिफ्ट. सो फिजिकली इफ यू से इट इज़ गुड, बट देन वन यू आर वॉकिंग इन दिस सनी कंडीशन, तब तो आपकी बैंड बच जाएगी. तो यही है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करके, क्योंकि
अभी 1.5 महीना हो गया मैं बाहर ही नहीं निकल रहा था, ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसा मतलब अकेलापन जैसा लगता था। वैसे तो दोस्तों से व्हाट्सएप में, फिर फैमिली से व्हाट्सएप में बातचीत होती रहती है। इससे पहले मेरे साथ अजीनियो था, तो हम दोनों में मतलब बातचीत होती रहती थी, तो हम दोनों का टाइम पास हो जाता था। हम लोग कुछ ना कुछ तो डिस्कशन करते रहते थे और कुछ ना कुछ तो खाना बनाते रहते थे। सो इट वॉज़ गुड। बट देन मार्च 14 को वो इंडिया चला गया। होपफुली वो ही रीच सेफ इन इंडिया एंड नाउ ही इज़ सेफ इन इंडिया। बस यही है दोस्तों। और ये थोड़ा मेरा अपार्टमेंट का बाहर थोड़ा देख, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, इसमें तो लिफ्ट तो होगा ही। और यहाँ का कार बहुत ही अच्छे हैं यार। एक बार कमेंट में बोल देना अगर आपको कार का डिटेल्स के बारे में कुछ, अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा, क्योंकि आई एम ए मोटरबाइक फैन। माय पैशन इज राइडिंग। आई राइड ए डोमिनर 400 इन बैक देन इन इंडिया। चलो अगेन बाय।